करेंगे फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, इसको क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं या ट्रांजैक्शन थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में मैं आप बच्चों से डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हम UGC नेट, UPSC इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, PGT इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, MA इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होते हैं GATE, इसके अलावा JAM, तमाम तरीके के कोर्सेज बनाते हैं जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो हमारी एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा आप अगर एप्लीकेशन में जाओगे तो आपको 3 डॉट के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टडी मटेरियल का, वहाँ पर जो भी हम वीडियो पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो आप नोट्स भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के 2 वर्जन हम लेके चल रहे हैं, एक तो है क्लासिकल वर्जन, दूसरा कैम्ब्रिज वर्जन। ऐसा नहीं है कि फिशर पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को डेवलप किया, इससे पहले डेविड हूम थे, रिकार्डो थे, ठीक है, इन्होंने भी अपने विचार दिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में, लेकिन फिशर ने सबसे पहली बार सिस्टमेटिकल तरीके से विचार दिए। और उस सिस्टमेटिकल तरीके से विचार देने के कारण ही जो फिशर है उनकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को ही क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से प्राइस लेवल किस तरीके से इन्फ्लुएंस होगा। तो बच्चों मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे देता हूं, पहले आप उस एग्जांपल को समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास में 1,000 रुपये हैं और हम ये मान लेते हैं कि जो गुड्स है उसका जो प्राइस है वो भी ₹1 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 रुपये के हिसाब से 1 रुपये की गुड्स को आप कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हो, क्वांटिटी ऑफ गुड्स कितनी बाय कर सकते हो, 1000। हम ये भी मान लेते हैं कि इस समय जो सप्लाई है गुड्स की, सप्लाई है गुड्स की वो भी 1000 है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। प्रोड्यूसर 1000 गुड्स बना रहा है, आप 1000 गुड्स खरीद रहे हो, आपके पास 1000 रुपये हैं, 1 रुपये की गुड्स है, मार्केट सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। अब मान लीजिए कि जो मनी है आपके पास में वो 2000 हो जाए, यानी कि सेम प्राइस पर, रुपीज सेम पर आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और सप्लाई जो है वो कम रह जाएगी। यानी कि ये तो देखिए छोटे एक इंडिविजुअल लेवल पे हुआ है, मान लीजिए यही पूरी की पूरी इकोनॉमी लेवल पे होता, यानी कि ओवरऑल हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ गई और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो घट गई। यानी कि अब आपको 1 रुपये पर आप खरीदने वाले 2000 गुड्स से, लेकिन बेचने वाला 1000 गुड्स बेच रहा है, तो डेफिनेटली बेचने वाला क्या करेगा, अपना प्राइस को बढ़ाएगा, यानी कि इस केस में जो प्राइस है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो सप्लाई है वो कम है इसलिए प्राइस बढ़ेगा। और प्राइस बढ़ते 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 धीरे धीरे 2 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हमारी मनी की क्वांटिटी बढ़ती है तो इसका असर प्राइस लेवल पे ये होगा कि प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन आप उतनी गुड्स खरीद पाओगे जितनी पहले खरीद पा रहे थे, यानी कि आपने एक तरीके से नुकसान ही हो गया, क्योंकि ऐसे लोग जिनकी इनकम नहीं बढ़ेगी वो तो बेचारे दुखी रह जाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली तो प्राइस बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये थ्योरी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि क्यों आखिरकार सरकार नोट नहीं छापती, क्योंकि अगर सरकार बड़ी मात्रा में नोट छाप देगी तो इसका नुकसान क्या होगा कि जो लोगों के पास इनकम नहीं पहुंची है वो तो नहीं खरीद पाएंगे, केवल वही खरीद पाएंगे जिनकी इनकम ज़्यादा है और अल्टीमेटली कीमतें बढ़ जाएंगी। इसी को बच्चों बोलते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी देखिए हमें क्या बताती है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। देखिए एक होता है प्राइस लेवल, एक होता है प्राइस लेवल, एक होती है वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, और एक होती है क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी। अब इन तीनों में रिलेशन समझ लीजिए। मान लीजिए किसी गुड्स का प्राइस 10 रुपये चल रहा है, तो वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि आप 1 रुपये में कितनी गुड्स खरीद पाओगे, तो आप 1 रुपये में खरीद पाओगे 1/10, ये वैल्यू ऑफ मनी है, इसको 1/P के द्वारा डिनोट भी करते हैं वैल्यू ऑफ मनी को। और मान लीजिए आपके पास में जो क्वांटिटी है मनी की
एम है मान लीजिए वो 1000 है, ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी। थ्योरी कहती है कि अगर ये डबल हो जाए, एम हो जाए 2000, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हो जाएगा तो प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्राइस लेवल डबल हो गया, यहां पे ले लेते हैं, जो प्राइस लेवल डबल हो गया तो आपकी जो वैल्यू है मनी की वो हाफ रह गई। इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताती है कि अगर हमारी मनी की क्वांटिटी डबल हो जाएगी तो प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा, जबकि जो वैल्यू है मनी की वो हाफ रह जाएगी। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है परचेजिंग पावर, यानी कि 1 रुपये में आप कितनी गुड्स खरीद पा रहे हो। मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ बच्चों, देखिए यहां पे मैं आपको बना रहा हूं क्वांटिटी ऑफ मनी का डायग्राम और यहां मैं आपके लिए बना देता हूं प्राइस लेवल का डायग्राम। तो इनिशियली क्या हुआ था, ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। इनिशियली क्या हुआ था, इनिशियली हम ये मान रहे हैं कि जब हमारी इनकम का लेवल Y0 है तो प्राइस लेवल P0 है और ये हमारा कॉम्बिनेशन है A। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है प्रोपोर्शनली बढ़ जाएगी हमारा इनकम बढ़ने से सेम प्रोपोर्शन में प्राइस, अगर प्रोपोर्शन नहीं है तो ये डायग्राम गलत होगा, इसलिए आप याद रखिएगा ये प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। मैं इसको यहां बना देता हूं इस लेवल पे, ठीक है जी। तो ये हमारी प्रोपोर्शनल हो गई बी पॉइंट पर, इसको बोलेंगे प्राइस इज द फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई या क्वांटिटी ऑफ मनी। यानी कि कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर हमारी मनी की क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशन हुआ बच्चों प्राइस लेवल में और क्वांटिटी ऑफ मनी में। दूसरा रिलेशन भी हम बात कर लेते हैं जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस बात को पकड़ के चलिएगा बच्चों कि किस किस का रिलेशन क्या क्या है। यहां पे मैं लिख देता हूं क्वांटिटी ऑफ मनी, यहां मैं लिख देता हूं प्राइस लेवल, और इस तरीके का डायग्राम बनेगा, सॉरी वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी 1/P इज द फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जब हमारी मनी की सप्लाई ये थी M0 तो प्राइस लेवल जो वैल्यू ऑफ मनी थी वो थी MP0, और जब मनी की क्वांटिटी बढ़कर M1 हो गई तो प्राइस लेवल 1/P1 हो गया। इसका मतलब मनी की क्वांटिटी बढ़ने से जो प्राइस लेवल है, जो रियल जो प्राइस लेवल है वो बढ़ा, और प्राइस लेवल बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी घटी। इन्हीं दोनों डायग्राम को हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। बेसिकली आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, नंबर वन कि जो हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी है, मनी की जो क्वांटिटी है, यहाँ पे मनी सप्लाई लिखा हुआ है, मनी सप्लाई जो है और प्राइस लेवल जो है इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है, और मनी की सप्लाई में और वैल्यू ऑफ मनी में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो बच्चों फिशर का जो थ्योरी है वो बताती है कि ये फिशर ने जो थ्योरी दी थी उनकी बुक का नाम था द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अगर कोई MCQ क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है बच्चों, 1911 में ये बुक आई थी। उन्होंने इस बुक में अपनी जो थ्योरी है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वो डेवलप की। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहती है कि अगर बीइंग अदर थिंग रिमेन अनचेंज, यानी कि बाकी की सब चीज़ें सेम रहे, तो क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीज, यानी कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज करती है सर्कुलेशन में तो जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मनी की क्वांटिटी या मनी सप्लाई कह ले आप इसको, मनी की क्वांटिटी और सप्लाई क्यों बोल रहे हैं बार बार वो बता देंगे आप बच्चों को। तो मनी की क्वांटिटी अगर डबल होती है तो प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा, और मनी की क्वांटिटी अगर हाफ होती है तो प्राइस लेवल भी हाफ हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इसी तो जिसका डायग्राम जो है वो हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। इसी तरीके से द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट दैट देयर इज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल, एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब ये हुआ कि 2-3 बातें आपको याद रखनी है, मनी सप्लाई आप छोड़िए, क्वांटिटी ऑफ मनी, प्राइस लेवल, वैल्यू ऑफ मनी। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे और वैल्यू जो है मनी की वो घट जाएगी। वैल्यू ऑफ मनी का के मतलब है कि आप 1 रुपये में कितना सामान खरीद पा रहे हो। देखिए पहले जब दूध था 50 रुपये किलो तो मैं 50 रुपये लेके जाता था और 1 किलो दूध ले आता था।
अब दूध हो गया 70 रुपए किलो, तो मैं 50 रुपए में दूध नहीं खरीद पा रहा हूँ। इसका मतलब है कि दूध की वैल्यू बढ़ी है, इसका मतलब मनी की वैल्यू घटी है, इसका मतलब उतने ही पैसे में अब आप पहले से कम गुड्स खरीद पाओगे। तो बेसिकली ये होता है वैल्यू ऑफ मनी का मतलब। अब इसी बात को प्रूव करने के लिए एक इक्वेशन का यूज उन्होंने किया, और वो इक्वेशन मैं आप बच्चों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये रही इक्वेशन, पहले इक्वेशन बताऊँ उससे पहले कुछ अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशन आप समझ लीजिए। सबसे पहली अजम्पशन है डिमांड फॉर मनी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो मनी की डिमांड है वो कांस्टेंट रहती है। मनी की डिमांड का मतलब है पी इंटू टी, टी का मतलब क्वांटिटी ले लीजिए, यानी कि आप क्या कर रहे हो 1000 गुड्स खरीद रहे हो 1 रुपये प्राइस पर, तो आपकी जो मनी डिमांड है वो 1000 है, ठीक है। और अगर आपका जो आप कह सकते हो एक तरीके से 2000 गुड्स खरीदोगे 1 रुपये के हिसाब से या 2 रुपये के हिसाब से, तो आपकी जो मनी डिमांड है वो 4000 है। यानी कि सिंपल समझने के लिए कि जो मनी डिमांड है इट इज़ द पी इंटू क्यू, तो पी इंटू क्यू की जगह उन्होंने पी टी यूज़ किया है, बट उससे आप कन्फ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है। ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटी रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि जो ट्रेड है बिजनेस एक्टिविटी है वो कॉन्स्टेंट रहती है। डिमांड द सप्लाई ऑफ क्रेडिट मनी रिमेन सेम, यानी कि सप्लाई ऑफ क्रेडिट मनी भी सेम है, बाकी की सब चीज़ों को सेम मान रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ मनी डज नॉट चेंज, वेलोसिटी ऑफ मनी का क्या मतलब है बच्चों, बार बार वर्ड यूज आएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है कितने लोगों के हाथों में से पैसा गुजरता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने मुझे फीस दी 500 रुपये, मैंने वो उसे दूध खरीद लिया, दूध वाले ने उससे कपड़े खरीद लिए, तो इसका मतलब है 3 बार सर्कुलेशन हो गया उस पैसे का, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है कि एवरेज पैसा कितने लोगों के हाथों में से गुजरता है। इसके अलावा नो होल्डिंग ऑफ मनी, यानी कि किसी भी तरीके से पैसे को होल्डिंग नहीं किया जाता, पैसे को केवल आप ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, इसके अलावा आपका कोई और पर्पस नहीं है, ऐसा मानना गया है इस पूरी की पूरी थ्योरी में। इसके अलावा इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट यूज़ फुल एम्प्लॉयमेंट पर आ चुकी है, और मनी ओनली यूज टू बी ट्रांजेक्शन पर्पस, जैसा कि मैंने आपको बताया मनी का केवल ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए यूज़ होता है, होल्डिंग के लिए यूज़ नहीं होता, यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू का काम नहीं करती मनी, केवल आपको गुड्स एक्सचेंज ऑफ मतलब गुड्स को एक्सचेंज करने का काम तो करती है, ट्रांजेक्शन का काम तो करती है, लेकिन किसी भी और तरीके का काम नहीं करती है। तो बच्चों फिशर ने अपनी पूरी क्वांटिटी थ्योरी में बताया कि जब मनी सप्लाई मनी डिमांड बराबर होती है तो वहाँ पर मॉनेटरी इक्विलिब्रियम होता है। मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फिशर की थ्योरी है वो बताती है, मैं आपको फिशर इक्वेशन पे आ गया हूँ बच्चों, यही मेरा पूरा कंक्लूजन है, नोट्स आप बाद में पढ़ लीजिएगा। फिशर की इक्वेशन बताती है कि जब मनी की जो सप्लाई है वो बराबर होगी मनी की डिमांड के तो इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि मॉनेटरी इक्विलिब्रियम तब होगा जब मनी सप्लाई मनी डिमांड बराबर होगी। मनी सप्लाई क्या होती है, मनी सप्लाई का मतलब है, मैं यहाँ पे MS लिख देता हूँ, किसके बराबर है M इंटू वी के, यानी कि उन्होंने बताया कि जो मनी की सप्लाई होती है वो होती है MV के बराबर। M का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मनी, V का मतलब वेलोसिटी, यानी कि 1000 रुपये का नोट अगर 5 लोगों के हाथों में से गुजर रहा है तो इसका मतलब है कि वो 5000 के बराबर का काम कर रहा है। तो अब हम अपने एग्जाम्पल में क्या करेंगे, M को मान लेंगे 1000 और वी वेलोसिटी को मान लेंगे 500, तो इसी को मान के हम अपने इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से जो मनी डिमांड है, मनी डिमांड जैसा कि मैंने आपको बताया पीटी के बराबर होता है, पी का मतलब प्राइस लेवल, टी का मतलब ट्रांजेक्शन, यानी कि 5000 रुपये आपके पास मनी सप्लाई है, आप इससे 2000 आप इससे मान लीजिए 5000 गुड्स ही खरीदते हो या 500 गुड्स खरीदते हो एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपीज़ आपका प्राइस है, 10000 गुड्स आप बाय करते हो तो आप कुल मिलाकर कितनी सामान खरीद रहे हो 5000 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान लेते हैं कि ट्रांजेक्शन जो है हमारा वो है 500, तो और प्राइस की वैल्यू जो है वो आएगी हमारी 5, क्योंकि मनी डिमांड मनी सप्लाई बराबर होती है तो इसके लिए ज़रूरी है, सॉरी 5000 एक मिनट, हाँ 500 × 10, प्राइस लेवल 10 रहेगा 5000। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि मनी की जो डिमांड है मनी की जो सप्लाई है वो बराबर है मनी डिमांड के, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम वी इक्वल टू पी टी। तो फिशर इक्वेशन कहती है कि पी इक्वल टू एम वी अपॉन में टी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी मनी की सप्लाई जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मनी की सप्लाई अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं 1000 है, वेलोसिटी 5 है, और अगर हम ट्रांजेक्शन की वैल्यू 500 लिख लें, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 5 गया, इसका मतलब 10 आएगा आपका आंसर, यानी कि प्राइस लेवल आपका 10 रहेगा। ओके बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात है।
अब वो कहता है फिशर कि अगर ये कांस्टेंट रहे, ये कांस्टेंट रहे, यानी कि वी और टी को हम कांस्टेंट मान लें, हम ये मान लें कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और जो ट्रांजेक्शन किया गया वो भी कांस्टेंट रहती है, और एम जो है वो डबल हो जाए, डबल हो जाए, डबल का मतलब कितना हो जाए 2000, तो जो प्राइस लेवल है विल बी डबल, बस खत्म हो गई बात, वो भी डबल हो जाएगा। चलिए हम करके देखते हैं इस बात को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको 2000 मान लें, 1000 की जगह 2000 मान लिया, और जो आप कह सकते हो एक तरीके से जो प्राइस लेवल है वो हमें पता नहीं है, V की वैल्यू 5 लिख लेते हैं और T को यानी कि जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसे 500 ही मान लेते हैं, तो अब आप देखिएगा आपके जो आंसर आएगा इट विल बी 20। तो फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमें क्या बताती है बच्चों, वही बातें आपको यहाँ पे मिलेंगी, देखने को मिलेंगी बेसिकली, कि जैसे ही आपने मनी की क्वांटिटी को डबल किया प्राइस लेवल भी डबल हो गया, मनी सप्लाई भी डबल हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिएगा कि जब आपकी पहले जो मनी सप्लाई थी वो 5000 थी और अब जो मनी सप्लाई है वो 10000 हो गई। ठीक है बच्चों, इसका मतलब मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मनी इनटू प्राइस ऑफ जो आपकी वेलोसिटी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको समझाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बाद में इसको इनकम में भी ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, यानी कि जो हमारा फार्मूला था पी इक्वल टू एम वी अपॉन टी, टी की जगह रिप्लेस कर दिया गया वाई से, आप ये भी कह सकते हो कि एम वी इंटू क्या था टी, सॉरी टी की जगह आपने वो यूज कर लिया पी पी वाई, यहां पे वाई जो है वो रियल इनकम को दिखा रहा है, रियल इनकम को दिखा रहा है, जो प्राइस है वो प्राइस लेवल को दिखा रहा है, इसका मतलब ये जो है ना ये वाला ये हमारी नॉमिनल इनकम को दिखा रहा है, नॉमिनल इनकम को दिखा रहा है। ओके बच्चों, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, नॉमिनल इनकम का मतलब है कि हम कितना सामान खरीद पा रहे हैं, मतलब रियल इनकम को जब हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉमिनल इनकम कहलाएगी। तो इसको बाद में उन्होंने, अब देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि टी और वाई हालांकि सेम नहीं होते लेकिन टी को मेजर करना मुश्किल होता है जबकि वाई को मेजर करना कंपैरेटिवली आसान होता है, और इनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी होती है इसलिए टी और वाई को हमने कॉन्स्टेंट ही मान लिया गया है। तो बेसिकली हमारा जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, इसके बाद एम वी इक्वल टू पी वाई, तो ये हमारा हो गया नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है बच्चों, और ये हमारा हो गया सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी। अगर हमें ये पता करना हो कि इन्फ्लेशन रेट कितना रहा, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि जब इस इक्वेशन को हम परसेंटेज की फॉर्म में लाते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं बच्चों, परसेंटेज चेंज इन मनी प्लस परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी प्लस परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्लस परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको इसी को समझाने की कोशिश करूँगा इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ इसके लिए। देखिए सपोज कीजिए कि आपकी जो मनी की सप्लाई है या आप कह सकते हो क्वांटिटी ऑफ मनी है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी जो हुआ है, मान लीजिए 10% का हुआ है, और आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है, मान लीजिए आपका जो आउटपुट है वो भी कांस्टेंट है यानी कि आउटपुट भी नहीं बढ़ता, तो आपका प्राइस लेवल कितना बढ़ेगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि इसके हिसाब से आपका प्राइस लेवल भी 10% ही बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी मनी सप्लाई 10% बढ़ती है और मान लीजिए आपका रियल आउटपुट जो है वो 6% बढ़ जाता है, मान लीजिए, हालांकि फिशर ने तो कहा कांस्टेंट रहेगा लेकिन हम ये मान लें, तो इसका मतलब है कि जो आपका इन्फ्लेशन होगा वो 4% रहेगा। यानी कि अल्टीमेटली ये क्वेश्चन हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है बच्चों कि अगर आप चाहते हो कि मनी की सप्लाई को बढ़ाना, मान लीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट रहे, ये कांस्टेंट रहे, तो या तो आपको अपने रियल आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा, और रियल आउटपुट नहीं बढ़ा पाओगे तो प्राइसेस बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली ये थ्योरी लास्ट में हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि भैया या तो आप चुपचाप से आउटपुट बढ़ाओ, और अगर आपने आउटपुट नहीं बढ़ाया और केवल क्वांटिटी ऑफ मनी को बढ़ा लिया तो प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा।
तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, यानी कि परसेंटेज चेंज इन आउटपुट डिपेंड ऑन ग्रोथ इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी प्रोसेस विच इज एज्यूम टू बी गिवन, यानी कि हम यहां पे मान रहे हैं कि जो भी प्रोडक्शन है वो कॉन्स्टेंट है, हम ये मान के चल रहे हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मनी सप्लाई होगी वो लास्ट में जाके इन्फ्लेशन रेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बच्चों ये थ्योरी की पूरी थ्योरी है, और अगर आप इग्नो के स्टूडेंट हो और आपने के पास बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो आपको इतना ही पढ़ना है। हालांकि मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में, ताकि अगर आप किसी हायर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो वो भी आप कवर कर सके, और अगर आप इग्नो के स्टूडेंट हो तो आप यानी कि यूजी लेवल पे, तो आप यहां पे भी वीडियो को छोड़ सकते हो। तो बच्चों अब तक की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हमने पढ़ा कि किस तरीके से अगर आप मनी की सप्लाई को या क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल करते हो तो प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा। बाद में फिशर ने अपने इस समीकरण को मॉडिफाइड किया, इक्वेशन को मॉडिफाइड किया, क्योंकि इस बात पे इस उनकी क्रिटिसाइज़ किया गया कि इसके अंदर जो बैंक मनी है और बैंक मनी का जो वेलोसिटी है उसको शामिल नहीं किया गया। देखिए हम केवल ट्रांजैक्शन केवल कैश नहीं करते बल्कि अकाउंट से भी करते हैं, हम चेक के थ्रू भी करते हैं, तो उसको शामिल नहीं किया गया। समय बदलने पर उन्होंने उसको भी मॉडिफाइड किया, और मॉडिफाइड करने के बाद एक फार्मूला बनाया जिसमें उन्होंने इसको शामिल किया। ये फार्मूला बन गया आपका एम वी, देखिए ये वाला फार्मूला है एम वी प्लस एम वन वी वन इक्वल टू पी टी। देखिए वही बात है, एम पिछली बार ये था ना, एम वी इक्वल टू पी टी था। अब उन्होंने इसमें एक चीज़ और जोड़ दी, वो था क्या, एम वन और वी वन। एम वन का मतलब है बैंकों के द्वारा जो पैसा, मतलब बैंकों में जो पैसा है। वी वन का मतलब है बैंकों के द्वारा जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। एम का मतलब है हमारे पास जो पैसा है, क्वांटिटी है, और वी का मतलब हम जो पैसा को कैश में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पी टी, पी का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्राइस लेवल, टी का मतलब ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि जो हमारी एम है वो 100 है, इसके अलावा जो एम वन है वो 500 है, इसके अलावा जो वी है वो 3 है, वी वन 2 है, टी 500 है। तो प्राइस लेवल कैसे पता करेंगे, पी इक्वल टू एम वी प्लस एम वन वी वन अपॉन में टी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। वैल्यू पुट करके देखते हैं बच्चों, एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है हमारी 1000 प्लस वी की वैल्यू हमने मानी है 3 प्लस एम वन है हमारा 500 और वी वन है हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टी से, टी की वैल्यू है 4000 गुड्स। तो यहां पे जो हमारा इक्वेशन आएगी 3000 प्लस 1000 4000 हो जाएगा, और 4000 को जब हम 4000 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा इट विल बी 1। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कि मनी की सप्लाई जो है, मनी की क्वांटिटी जो है वो डबल हो जाए, डबल का मतलब ये भी डबल हो जाएगी और ये भी डबल हो जाएगा, दोनों डबल हो जाए, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी है ना, तो प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डबल मानने का मतलब ये हुआ कि हम ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, हाँ ऐसे लिख लेते हैं। फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ बच्चों आपके लिए, एम की मतलब है 2000 3 प्लस 1000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4000, तो ये आएगा 6000, 6 और 2 8000, 8000 में 4000 को डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ गया। इसका मतलब मॉडिफाइड फार्मूला भी हमें यही बात बताता है कि अगर आप क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर दोगे तो प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा। बेसिकली बच्चों मतलब ही यही है कि अगर आप क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर देते हो तो प्राइस लेवल भी आपका डबल हो जाएगा। यही चीज़ जो आपको समझनी है, और यही चीज़ आपको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी समझाती है, यही चीज़ हमने आपको पिछली वीडियो पिछले मतलब पहले भी आपको समझाई हुई है। कुछ इसकी क्रिटिसाइज भी हैं, कुछ इसकी आलोचनाएं भी हैं, एक बार हम आलोचनाओं पे भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है अनरियलिस्टिक एजम्पशन, इट इज़ इन दिस इक्वेशन वी वी वन एंड टी आर एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट, यानी कि इस इक्वेशन में हमने माना है कि जो वी है वो कॉन्स्टेंट रहता है, वी वन कॉन्स्टेंट रहता है, टी कॉन्स्टेंट रहता है, जो कि गलत एजम्पशन है। ये चीज़ें भी समय आने पे बदल जाती है, टी का मतलब ट्रांजेक्शन वो भी बदलता है, वेलोसिटी भी बदलती है। द प्राइस लेवल इज इन्फ्लुएंस बाय ओनली चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी, लेकिन रियल लाइफ में जो वी है, वी पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है,
ठीक है, लोगों की हैबिट्स पे डिपेंड करती है, ये सब बदलती रहती है लॉन्ग टर्म में, इसलिए इनको कांस्टेंट मान लेना बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा आलोचकों का, ऐसा क्रिटिसाइज करने वाले लोगों का विश्वास है। इसके अलावा वेरिएबल आर नॉन इंडिपेंडेंट, फिशर ने एज्यूम किया है कि जो M1 है, V1 है एंड IR इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं करते, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, ये फैक्टर भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए लोगों के पास M बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी पे भी इसका असर पड़ेगा, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे, इसलिए ये कह देना कि सारे के सारे फैक्टर इंडिपेंडेंट है ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा इस पूरी की पूरी थ्योरी में केवल सप्लाई ऑफ मनी पे फोकस किया गया है, डिमांड फॉर मनी पे कहीं फोकस नहीं किया गया, इसीलिए इसको वन साइडेड भी कहते हैं। इसी वन साइडेडनेस को दूर करने के लिए कैम्ब्रिज अप्रोच डेवलप हुई। इसके अलावा प्राइस लेवल इज नॉट पैसिव फैक्टर, इसमें यह माना गया है कि मनी की सप्लाई के बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा, मनी की सप्लाई घटने से प्राइस जो है वो घटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में प्राइस को माना गया है इनएक्टिव पैसिव फैक्टर माना गया है, जबकि प्राइस के चेंज होने से भी क्वांटिटी ऑफ मनी पर चेंज होता है, उसके बारे में इस पूरी की पूरी थ्योरी में कहीं पे भी कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। इसके अलावा अवेलेबल एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये इकोनॉमी तभी लागू होती है जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी तो जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है लोग आउटपुट बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें आउटपुट ना बढ़े केवल क्वांटिटी बढ़े, केवल डिमांड बढ़े, ये तभी पॉसिबल है जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर चुकी हो। इसके अलावा है इग्नोर द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पूरी की पूरी थ्योरी में इंटरेस्ट रेट पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में कहीं डिस्कस नहीं किया गया है। डिफिकल्ट टू मेजर वेलोसिटी, देखिए कहना बड़ा आसान है कि आप पता कर लोगे कि कितने लोगों के हाथों में से पैसा घूमा, लेकिन मेरे पास पैसा आने से पहले वो कितने लोगों के हाथों में से आया इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब वेलोसिटी की जानकारी नहीं है तो आप मनी की सप्लाई को भी पता नहीं कर सकते हो, इसलिए क्वांटिटी की थ्योरी ऑफ मनी पूरी तरीके से सही नहीं मानी जा सकती है बच्चों। इसके अलावा इग्नोर द इफेक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर, देखिए केंज ने खुद माना, फिशर ने खुद माना कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर भी होते हैं जो नॉन मॉनेटरी होते हैं, जैसे पॉलिटिकल डिसीजन, देश के अंदर कैसी कंडीशन चल रही है, फेस्टिवल है या नहीं है, वो सारे की सारी बातें प्राइस लेवल को इन्फ्लुएंस करते हैं। केवल मॉनेटरी फैक्टर की वजह से ही प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं होता, नॉन मॉनेटरी फैक्टर की वजह से भी प्राइस इन्फ्लुएंस होता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो की समरी या सार समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।